How many people have got this answer? Okay, दो लोगों को मिला आंसर. यस, 1 2 3 4 5, पांच लोगों को इसका आंसर आया है. मतलब पांच नहीं, चार लोगों को. बाकी लोगों को यस, पांच लोगों को आया यस. बाकी लोगों को बचे हुए चार लोग, बचे हुए चार लोग. नहीं आया. ओके. मंथली इनकम्स ऑफ टू पर्सन आर इन रेशियो. क्वेश्चन नंबर थ्री देखो. मंथली इनकम्स ऑफ टू पर्सन आर इन रेशियो 4:5. तो ऑप्शन ए में 500 to 500 and 400 आ रहा है. ऑप्शन बी में 400 500 आ रहा है. ऑप्शन सी में 300 600 आ रहा है. ऑप्शन डी में 350 and 550 आ रहा है. ओके, तो फिर कहाँ पे 4:5? सर ने दूसरी लिंक सेंड की थी. मतलब 11 लोग कैसे हो गए अपने पास? यस, 11 लोग. कोई नया ज्वाइन हुआ है क्या? प्लीज टेल मी, इज देयर एनी न्यू? Is there any new student? बोलो जल्दी. कोई नया स्टूडेंट ज्वाइन हुआ है क्या? क्योंकि वैसे 10 रहता है नंबर मुझे पकड़ के. 11 दिखाई दे रहा है मुझे. ओके, श्रीनिवास तुम न्यू हो. ओके, अभी क्या करो ना, YouTube चैनल पे मैंने सारे पहले वाले वीडियोस अपलोड किए हैं. बस पहला एकदम फर्स्ट क्लास का वीडियो अपलोड नहीं किया हो किया हुआ है, बिकॉज तब मुझे कंफर्म नहीं था कि अपलोड करना है नहीं करना है. तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो थ्रू द वीडियोस फॉर द ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स. ओके, देन यू विल गेट एन आइडिया. ठीक है, सो यस. तो अभी फिलहाल इस टॉपिक पे कंटिन्यू करते हैं. हमने एक चैप्टर खत्म कर लिया है, रेशियो प्रोपोर्शन एंड लॉगरिथम्स. अब दूसरे चैप्टर पे है अपन, इक्वेशंस पे. ठीक है, इक्वेशंस पे है और इक्वेशंस एंड मैट्रिसेस अपन देखने वाले हैं. ठीक है, तो इक्वेशंस में अपना लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो चुका है. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का दूसरा क्वेश्चन जो दूसरा टाइप जो है वो चल रहा है. ठीक है, दूसरा टाइप जो है वो चल रहा है. तो फिर इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स है. जो छोटे छोटे क्वेश्चंस थे इक्वेशंस बना के सॉल्व करो, वो तो टाइप इसमें हो गए, टाइप फोर में हो गए. अब टाइप फाइव में वी आर हैविंग व्हाट? वर्ड प्रॉब्लम्स. तो फिर मंथली इनकम ऑफ टू पर्सन आर इन रेशियो 4:5. ओके, तो कौन से ऑप्शन में अपना रेशियो 4:5 आ रहा है? बस एक ही ऑप्शन है. यहाँ पे तो 5:4 आ रहा है. अच्छा श्रीनिवास, एक बात बताओ, तुम्हें मैथ्स था? तुम्हें मैथ्स था क्या? जो भी न्यू स्टूडेंट है, तुम्हें मैथ्स था क्या? या फिर मैं उसको न्यू समझ रही हूँ, वो न्यू है ही नहीं. उसका हैंड रेज आया इसलिए मुझे लगा कि वो श्रीनिवास है. केजल को जानती हूँ, आयुषा को जानती हूँ, रोहन, हाँ उमेर को जानती हूँ. ओके, यहाँ पे क्या रेशो आ रहा है? 7:11 है ना, 7:11 रेशो आ रहा है यहाँ पे.
तो फिर यस यहाँ पे क्या रेशो आ रहा है, 1:2 रेशो आ रहा है. तो यस टेल मी फास्ट, इन व्हाट केस, इन इन विच ऑप्शन माय कंडीशन इज गेटिंग सेटिस्फाइड. पी ऑप्शन. और यहाँ पे तो नन ऑफ दीज है भी नहीं, तो जाने की जरूरत नहीं. लेकिन अगर तुम्हें नन ऑफ दीज की तरफ जाना है तो देखो उन्होंने क्या बोला है, देयर मंथली एक्सपेंसेस आर 7:9. देयर मंथली एक्सपेंसेस आर व्हाट, 7:9. और इफ ईच सेव्स ₹50 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम्स. इफ ईच सेव्स ₹50 पर मंथ, ₹50 पर मंथ सेव कर रहा है, तो ये हो जाएगा 350 और ये हो जाएगा 450. ओके तो इसका रेशो कितना आ रहा है, 7:9. तो भाई ये भी सेटिस्फाई हो गया. ये भी सेटिस्फाई हो गया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. A two digit number is 4 more than 6 times sum of its digits. Two digit number is 4 more than 6 times sum of its digits. किसको आया आंसर इसका, किसी को आया ये चीज का आंसर, just tell me fast. किसी को आया इस चीज का आंसर, is there anyone? Very good. आयुषा आज एकदम फॉर्म में है. आयुषा फटाफट आंसर बता रही है आज तो. यस आयुषा एंड पलक, वेरी गुड. क्या बोला उन्होंने, टू डिजिट नंबर इज 4 मोर देन 6 टाइम्स. टू डिजिट नंबर इज 4 मोर देन 6 टाइम्स सम ऑफ डिजिट्स. 6 टाइम्स सम ऑफ डिजिट्स. इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नंबर टू डिजिट, if 18 is subtracted from the number, digits are reversed. क्या हो रहा है, digits are reversed. ये two digit number है, उसमें से 18 subtract किया और two digits जो है वो reverse हो रहे हैं. तो check करते हैं फिर कौन सा option है. पहला option क्या है, 64. तो 64 के case में ये सब scene हो रहा है कि देखते हैं. 64 is two digit number which is equal to 4 plus 6 into sum of digits 10. कितना आया फिर ये, 64 इक्वल टू 64. ओके क्या दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या, चेक करते हैं. टू डिजिट नंबर में से 18 सब्ट्रैक्ट किया, क्या मुझे डिजिट्स रिवर्स मतलब रिवर्स मिल रहा है क्या, कितना आया ये 6 एंड ये 4, 46 है ना. 64 माइनस 18 इज इक्वल टू व्हाट, 46. डन. ओके क्वेश्चन नंबर 5. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5 ए टू डिजिट नंबर, सॉरी ऑफ टू नंबर्स, ये समझ में आया 64 क्यों आया. चलो फिफ्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट करो यार, एटलीस्ट यू ट्राई समथिंग, देन आई विल कम टू नो. यस आई होप सबके पास नोट्स है ना, ग्रुप पे शेयर किए थे मैंने.
चलो बताओ जल्दी फिर. ऑफ टू नंबर्स वन फिफ्थ ऑफ ग्रेटर नंबर, क्या बोला उन्होंने? वन फिफ्थ ऑफ ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू वन थर्ड ऑफ स्मॉलर. ओके, देयर सम इज 16. सम ऑफ नंबर्स इट्स 16, ठीक है. सम ऑफ नंबर्स इज व्हाट? 16. ए ऑप्शन 6 and 10. वन फिफ्थ ऑफ ग्रेटर नंबर दैट इज 10, वन थर्ड ऑफ स्मॉलर नंबर. क्या ये सेम मिल रहा है मुझे सीन? यस, ये 2 is equal to 2 मिल रहा है, तो भाई पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया. वन फिफ्थ ऑफ ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू वन थर्ड ऑफ स्मॉलर नंबर. सम ऑफ नंबर्स इट्स 16, सो 10 plus 6 इज इक्वल टू 16, है ना? तो ये भी सेटिस्फाई हो गया, ठीक है. सो 6 and 10, वन फिफ्थ ऑफ ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू वन थर्ड ऑफ स्मॉलर नंबर, सो 2 is equal to 2, एंड देन सम ऑफ द नंबर्स इज 16, सो 10 plus 6 इज 16, डन. ओके, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन 5. अब क्वेश्चन 6. The sum of two numbers is 56. Sum of two numbers is 56. If three times the first number, exceeds one third of second, कितने से बड़ा है ये थ्री टाइम्स फर्स्ट नंबर? इट इज ग्रेटर बाय 4. इट इज ग्रेटर बाय व्हाट? 4. नाउ यस, चेक करते हैं फिर अपन यहाँ पे क्या सीन बनता है. ओके, वन थर्ड ऑफ द फर्स्ट, थ्री टाइम्स द फर्स्ट नंबर इज वन थर्ड ऑफ सेकेंड, प्लस इट एक्सीड्स वन थर्ड ऑफ सेकेंड बाय 4. नाउ 20 and 36. 20 and 36. Sum of two numbers is 56. So 20 plus 36 is equal to 56. Correct. Three times first number बोला है, greater smaller कुछ नहीं बोला है. First number, first number मतलब कौन सा है यहाँ पे? 20. So 3 times 20 is 1/3 of second. By 4, है ना? तो फिर क्या हो जाएगा ये 60 is equal to 12 plus 4 नहीं मैच कर रहा है. प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे मैच करने में, है ना? ये 60 आ रहा है और ये 16 आ रहा है, तो ये नहीं होगा आंसर अपना. पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि दूसरा भी कर लेगा सेटिस्फाई. तो ऑब्वियसली आई विल हैव टू चेक फॉर बोथ द कंडीशंस. ओके, सो ऑप्शन टू क्वेश्चन जाओ, ज्यादा सही रहेगा मुझे ऐसे लगता है. ओके, क्वेश्चन टू ऑप्शन जाओगे तो पहले इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे, फिर तुम लोगों को उसको सॉल्व करना पड़ेगा. सो ऑल दीज थिंग्स आर नॉट नीडेड एक्चुअली. सेकंड, 25, 31. 25 plus 31 is equal to 56, है ना? सो थ्री टाइम्स फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू वन थर्ड ऑफ सेकेंड, one third of second. Okay, so it is again not possible. This is possible. ये satisfy नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? 31 3 से divide ही तो नहीं हो रहा है, बाकी की तो बाद वाली बात है, है ना? So third option check करते हैं, last one. 24 plus 32. How much I am getting? I am getting 56. Correct. Three times first number is equal to one third of 32 plus 4. नहीं चलेगा, है ना? नहीं चलेगा. So this is what A, this is what B, this is what C, and जो D option होगा that is none. तो ये सही है.
जब अपन ऑप्शन टू क्वेश्चन जाते हैं तो ऑब्वियसली इट इज नीडेड दैट हम हमारे दोनों कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई हो जाए, दैट इज नीडेड. ओके, हमारे दोनों कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई हो जाए, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है. ठीक है, ओके. आगे बढ़ते हैं फिर. अभी क्वेश्चन नंबर 7. A fraction becomes 9 by 12 if 2 is added to both numerator and denominator. Numerator upon denominator है and fraction जो है वो 9 upon 11 हो रहा है अगर दोनों जगह पे अपन ने 2 add किया तो. दोनों जगह पे अपन ने 2 add किया तो fraction क्या बन रहा है? 9 upon 11 हो रहा है, है ना? So yes. And if 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5 upon 6. Numerator upon denominator में अगर 3 add हो गया तो fraction क्या हो जाएगा? 5 upon 6. Fraction क्या हो गया अपना? 5 upon 6. Okay? Find the fraction. Find the fraction. N upon D. Okay? Find the fraction. तो फिर अभी A option 5 upon 13, B option 3 upon 10, C option 7 upon 9, D option none of these. दोनों जगह पे 2 2 add कर दो. 5 plus 2 upon 13 plus 2. कितना आया ये? 7 upon 15 भैया नहीं चलेगा. 9 by 11 चाहिए अपन को. 3 में 2 ऐड करो, 10 में 2 ऐड करो, कितना आया ये? 5 upon 10 नहीं चलेगा, 12, ये 9 upon 11 चाहिए. यहाँ पे ऐड करो, 7 plus 2, 9 plus 2, 9 upon 11 आ रहा है, okay? N plus 3, 7 plus 3, 9 plus 3, 10 upon 12, 2 5s are, 2 6, आ गए 5 upon 6, दूसरा condition भी satisfy हो गया, C option. Okay, so answer is what? C option. Done. Got the answer. Yes. Okay. Yes. Question 8. कोशिश करो, चलो फटाफट. Question 8. खुद से कोशिश करो. Yes, I answered. Okay. Sum of numerator and denominator of a fraction is 4 more than twice the numerator. Sum of numerator and denominator of the fraction is 4 more than twice of numerator. है ना? If numerator and denominator are increased by 3, if numerator is increased by 3, denominator is also increased by 3, I am getting ratio as 2 upon 3. Okay, तो क्या हो जाएगा फिर? Yes,
व्हाट इट वुड बी. देखते हैं फिर कौन सा फ्रैक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे. 5/9, न्यूमरेटर 5, डिनोमिनेटर 9, 4+2 × n. हो रहा है क्या सेटिस्फाई, देखते हैं. 14 = 4+10 हो गया सेटिस्फाई. अब इसको चेक करो क्योंकि नन ऑफ दीज भी है ऑप्शन में, तो सेकंड कंडीशन चेक करना जरूरी है. फर्स्ट तो सेटिस्फाई हो गया. न्यूमरेटर प्लस 3, डिनोमिनेटर प्लस 3 इज व्हाट, 8/12. 4 × 2 = 4, 3 = 2/3. डन. यस, एनी प्रॉब्लम इन दिस? बहुत आसान है, बहुत आसान है. हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 9 में ना एक बढ़िया सा ट्विस्ट है. अगर वो समझ में आता है तो भैया एज वाले क्वेश्चंस तो तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ गए. चलो कोशिश करो फटाफट. ओके, डी ऑप्शन आया. डी ऑप्शन, एक ही ऑप्शन आया है मेरे पास. Fifty years. Next answer. Yes.
हार गए सब लोग। ओके चलो ध्यान दो अभी। क्या बोले उन्होंने? एज ऑफ ए पर्सन इट्स ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ टू सन्स। एज ऑफ ए पर्सन इज ट्वाइस सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू सन्स। ये जो है ना टू सन्स, ये वर्ड बड़ा कंफ्यूजिंग है। ये वर्ड जो है वो बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है? ये कब का सीन है, ये जो सिचुएशन है कब का है? प्रेजेंट का है। अब उन्होंने क्या बोला है? 5 years ago, 5 years ago, 5 years ago क्या बात बन रही है? हिज एज वॉज, कौन किसका एज? एज ऑफ ए पर्सन। क्या होगा 5 साल पहले उसका एज? -5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। इज थ्राइस द सम ऑफ एजेस। अब एक बात समझ लो यहां पे, उसके जो दो बच्चे हैं उनका 5 साल पहले एज अगर मुझे ढूंढना है, यहां पे मैं क्या करूं? क्या मैंने ये सही एक्सप्रेशन लिखा है? टेल मी फास्ट। 5 साल पहले, क्या इज दिस एक्सप्रेशन राइट और रॉन्ग? प्लीज टेल मी, ये एक्सप्रेशन राइट है या रॉन्ग है? और रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है? यस, वेरी गुड, शशांक ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, परफेक्ट। उमेर ने भी आंसर दिया, वेरी गुड, क्या बात है, दिल खुश हुआ लिटरली। सीरियसली, क्योंकि दो सन है ना, उनके एजेस का एडिशन जब अपन करेंगे तो 5 साल पहले वो दोनों जो बच्चे हैं उनका -5 -5 हो जाएगा। सो दैट वुड बी व्हाट? -10। उनका -5 -5 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? -10। सही बात है ना? क्या बोला मैंने, समझ में आया? यस। तो दोनों सन्स का जो एज है उसको 5 साल पहले लेके जाना है हम लोगों को। एक को नहीं लेके जाना है, एक बच्चा नहीं है यहाँ पे। अगर यहाँ पे एज ऑफ सन बोला होता तो हम -5 करते, दो बच्चे हैं यहाँ पे तो -10 करना पड़ेगा। ओके अब रखो ऑप्शन टू क्वेश्चन सीन। उसका प्रेजेंटेज पूछा है ना, तो अपन एक ही देखो, यहाँ पे दो आंसर्स नहीं दिए, एज एंड एज ऑफ अ पर्सन एंड सम ऑफ एजेस ऑफ टू सन्स, ऐसे नहीं दिया उन्होंने। सो अपन क्या करते हैं, एज ऑफ पर्सन एक्स लेते हैं, सम को वाई लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस फाइव इक्वल टू 3 × y - 10। तो एक्स का वैल्यू 2y रख देते हैं, 2y - 5, 3y - 30, तो क्या होगा? 25 = y। क्या गड़बड़ हो गया रे, कुछ तो गड़बड़ हो गया क्या? 30 इतना कम कैसे आ रहा है उसका एज? थ्राइस दी सम ऑफ देयर एजेस। हाँ चलेगा ना, वैसे क्या तो भी चलेगा पहले तुम, लेकिन ये अलग क्यों आ रहा है? एक्स इज इक्वल टू 2y रखा ना मैंने यहाँ पे ऊपर वाले क्वेश्चन में से, समझा क्या? x इज इक्वल टू 2y रखा मैंने, गलत क्यों आ रहा? अच्छा y आया अपन के पास, हाँ सही है फिर तो। x इज इक्वल टू व्हाट? 2y, तो इट्स 2 × 25, सो इट्स 50। क्यों x? क्योंकि हमें एज ऑफ ए पर्सन बोला है। ओके सो क्वेश्चन नंबर 10, चलो। 6 years hence मैन्स एज विल बी 3 times द एज ऑफ इट्स सन, एंड 3 years ago हिज एज वॉज 9 years एज ओल्ड एज हिज सन। फाइंड द प्रेजेंट एजेस। चलो बताओ फिर जल्दी जल्दी क्या था।
यस बी ऑप्शन क्या बोला उन्होंने, 6 years hence man's age will be 3 times the age of its son. 6 years hence मतलब 6 साल बाद. तो प्रेजेंट सिचुएशन कंसिडर करते हैं ना कुछ. सो प्रेजेंट एजेस ऑफ मैन, मैन का लेते हैं एक्स एंड सन का लेते हैं वाई. तो 6 years हेंस क्या हो जाएगा इनके एजेस, एक्स प्लस सिक्स एंड वाई प्लस सिक्स हो जाएंगे. और उन्हें क्या बोला है, मैन्स एज विल बी 3 times सन्स एज. अब 3 years अगो, 3 years अगो ही वॉज 9 times एज ओल्ड एज इट्स सन. ये जो है 9 times एज ओल्ड एज इट्स सन. ओके 9 times एज ओल्ड एज इट्स सन. ठीक है. तो फिर उन्होंने पूछा है प्रेजेंट एजेस बताओ. तो यस कहां पे दिखाई दे रहा है ये सीन, एक तो इक्वेशन सॉल्व करो या फिर ऑप्शन टू क्वेश्चन जाओ. लेकिन ना यहाँ पे ना उन्होंने थोड़ा सा ऑप्शन टू क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा अपन को, वो एजेस में प्लस सिक्स करना पड़ेगा फिर 3 माइनस करना पड़ेगा. ओके तो यू कैन डू बाय दिस वे ऑल्सो, यू कैन जस्ट सब्सटीट्यूट एक्स इज इक्वल टू 9y प्लस 6 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 6. So 9y plus 6 is equal to 3y plus 6. So it becomes, कुछ तो गड़बड़ हो गया, 3y plus 18. So 6y is equal to 12. Y is equal to 2 आ रहा है, 2 years. फिर भी कुछ गड़बड़ हुआ है शायद से. 9y ना? अच्छा 3 years ago, minus 3 नहीं किया. नहीं नहीं, minus 3 नहीं किया ना. 3 years ago. 9 times y minus 3 ऐसे करना चाहिए था. ये गड़बड़ हो गया फिर, है ना, ये गड़बड़ हो गया फिर. तो क्या आया फिर ये, x plus 6 is equal to 3y plus 18. तो x minus 3y is equal to 12. And यहाँ पे क्या हो गया, x minus 3 equal to 9y minus 27. Okay? तो फिर चाहिए ना सब. 3 years ago 9y minus 27. So x minus 9y is equal to minus 24. Yes, x minus 9y is equal to minus 24. Or x minus 3y is equal to 12. Done. Okay. तो फिर देखते हैं फिर अभी कहाँ पे क्या बात बनती है. लेट्स चेक इट आउट. x माइनस 3y इक्वल टू 12, x माइनस 9y माइनस 24 माइनस माइनस प्लस प्लस. तो ये आया 6y और ये आया 12. स्टिल नहीं, 12 नहीं आएगा अभी, ये 36. तो y आएगा 6, है ना. y आया 6, तो y 6 आया, 6 3 is 18, तो x कितना हो गया फिर 30. So x is equal to 30. Done. Simultaneously solve किया तो y equal to 2 नहीं आता. देखो ना, नहीं आया है y equal to 2, है ना.
सिमल्टेनियसली अगर सॉल्व किया तो y इक्वल टू टू नहीं आता. यस None. This question is dangerous. Not at all. तो बहुत आसान question है. Yes. नहीं आ रहा है. ओके देखो, ए इज एल्डर टू बी बाय टू इयर्स. ए इज एल्डर टू बी बाय टू इयर्स. इज फादर एफ इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए. ओके ए इज फादर एफ is twice as old as A. ठीक है. B is twice as old as its sister S. B is twice as old as its sister S. If the ages of the father and sister differ by 40 years, फादर एंड सिस्टर के एज का डिफरेंस जो है वो कितना है 40 इयर्स. मतलब बड़ा कौन होगा, ऑब्वियसली पापा बड़े होंगे, तो एफ माइनस एस इज हाउ मच 40 इयर्स. एफ माइनस एस इज व्हाट 40 इयर्स. ठीक है. ए इज इक्वल टू बी प्लस टू. एफ इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए. बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एस. If ages of father and sister differ by 40, then find the age of A. A का age हम लोगों को find out करना है. अब देखो, क्या करेंगे ना यहाँ पे? मुझे F A का age अपन को find out करना है. अपन को A का age find out करना है. That is our target. मतलब मुझे कुछ तो A के terms में मिलना चाहिए. I should get something in terms of A.
ओके आई शुड गेट समथिंग इन टर्म्स ऑफ व्हाट ए. तो फिर अपने पास एफ का ए के साथ रिलेशन है, दैट इज टू ए. एफ का ए के साथ रिलेशन है, दैट इज टू ए माइनस ये दोनों चीजें हैं, इनको क्लब करते हैं अभी. ओके तो ये एफ मैंने 2a लिख दिया. क्यों लिख दिया? क्योंकि मुझे a का एज चाहिए ना, तो मैंने वहां पे चीजें सॉर्ट आउट कर ली. मैंने एफ के जगह पे a लिख दिया. अब मुझे s के जगह पे भी a जैसा कुछ चाहिए, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो यहां से क्या मिला अपन को, b upon 2 is equal to s, है ना. b upon 2 is equal to क्या मिला अपन को, s. ठीक है. और एल्स आई वुड से b इज इक्वल टू 2s है ना, उसको कुछ मत करो. b इज इक्वल टू 2s को सीधा यहाँ पे रख दो. b इज इक्वल टू 2s को सीधा यहाँ पे रख दो, तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2s प्लस 2. तो ये 2 को शिफ्ट कर दो यहाँ पे, तो a माइनस 2 इज इक्वल टू 2s. और s क्या हो जाएगा, a माइनस 2 अपॉन. क्या किया अपन ने, b को यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया और a माइनस 2 अपॉन 2, तो s के जगह पे रख देते हैं, a माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 40. सो ये हो जाएगा 4a, ये हो जाएगा a माइनस 2, ये हो जाएगा 80. 4a माइनस a प्लस 2 80, तो कितना हो गया ये, 3a इक्वल टू 82. कुछ बात बन रही है क्या, नहीं कुछ अलग ही चाह रहा है, एक मिनट. हाँ तो 4a a प्लस 2, अच्छा मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी, इट शुड बी 78, है ना. तो a कितना हो गया फिर, ये 78 अपॉन 3, विच कम्स आउट टू बी 3 2 जा 3 6 जा, a इज इक्वल टू 26. ओके यू टुक f इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a प्लस b, चलेगा. देखो मैंने क्या किया, बेसिकली मेरा एक टेक्निक है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का ना, आई ऑलवेज लुक एट व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट. जो फाइंड आउट करना है वो एक्सप्रेशन हमारे पास आना चाहिए, दैट्स द मोटिव. ओके जो हमें फाइंड आउट करना है वो एक्सप्रेशन हमारे पास आना चाहिए. ओके तो मुझे a फाइंड आउट करना था, तो मैंने f के जगह पे 2a के टर्म्स में लिखा, इसको भी a के टर्म्स में लिखा, एंड फिर मुझे a मिल गया. तो ऐसे तुम अपने तरीके से भी कर सकते हो, ये तीन तीन क्वेश्चंस, चार चार इक्वेशंस अपने पास है, कैसे भी उसको घुमा सकते हो. ओके हमारे पास चार चार इक्वेशंस है. फादर से जिस, अरे नहीं 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 ऐसा 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 लगने मत दो ज्यादा. ओके यस चलो आगे बढ़ते हैं फिर अभी. क्वेश्चन 12, कार रेंटल चार्जेस इन ए सिटी कंप्राइज ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड. कोशिश करोगे इसका, 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये, इट इज द क्वेश्चन फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई टेक्स्ट बुक. चलो कोशिश करो फास्ट. Yes. वन एट्टी आया. ओके बाकी किसी को आया इसका आंसर,
टेल मी फास्ट। चलो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेन टॉपिक शुरू हो जाएगा इस चैप्टर का। यस यस टेल मी फास्ट। ओ ओ ओके नहीं आ रहा है। देखो कार रेंटल चार्जेस इन ए सिटी कंप्राइज ऑफ फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। मतलब फिक्स्ड चार्ज प्लस चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड, ये दोनों मिला के चार्ज हो रहा है अपना। ठीक है, तो चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड मतलब क्या है? देखो मान के चलो कि एग्जांपल देते हैं अपन, कोई ऑटो वाला है, ठीक है, उस ऑटो वाले ने बोला कि मैं पहले किलोमीटर के लिए तुमसे 5 रुपए फिक्स लूंगा, तुम चाहे वो फर्स्ट किलोमीटर ट्रेवल करो ना करो, फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज जो 5 रुपीज का है वो फिक्स है। ओके वो फिक्स है, 5 किलोमीटर, 5 रुपीज पर किलोमीटर, सॉरी 5 रुपीज पर किलोमीटर। उसके बाद ये हो गया फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज। उसके बाद जो भी किलोमीटर्स तुम ट्रेवल करोगे उसका रेंट, उसका चार्ज जो तुम लोगों को भरना पड़ेगा वो कैसा होगा? लेट्स से यहाँ पे पहले किलोमीटर के लिए 5 रुपए तो देने ही देने हैं। और आगे जो पर किलोमीटर चार्ज रहेगा दैट वुड बी लेट्स से 4 रुपीज या फिर 6 रुपीज पर किलोमीटर, ऐसा कुछ। या फिर यहाँ पे 6 करते हैं, यहाँ पे 5 करते हैं, ऐसा कुछ। मतलब उसने बोल के रखा है कि तुम पहला किलोमीटर जो है उसका तुम्हें मुझे 6 रुपीज ही देना पड़ेगा। उसका फर्स्ट किलोमीटर जो है उसका तुम 6 रुपीज ही दोगे, उसके बाद तुम जैसे ट्रैवल करोगे वो पर किलोमीटर वाइज चार्ज रहेगा। अभी जैसे कि मान के चलो सपोज मैंने 5 किलोमीटर ट्रैवल किया ऑटो से, तो 5 किलोमीटर को ये पहला किलोमीटर हो गया और ये अगले 4 किलोमीटर हो गए, तो पहले किलोमीटर के लिए लग रहे हैं अपन के पास 6 रुपीज, और बचे हुए 4 किलोमीटर का जो चार्ज है दैट इज व्हाट, 5 रुपीज पर किलोमीटर, दैट इज व्हाट, 5 रुपीज पर किलोमीटर। सो 5 × 4 तो ये कितना हो गया फिर, 6 × 20 ये कितने हो गए, 26 रुपीज। तो पहले किलोमीटर का जो चार्ज होगा दैट इज 6 रुपीज, एंड आगे जो 4 किलोमीटर तुम ट्रेवल करोगे उसका चार्ज कैसे होगा, 5 रुपीज पर किलोमीटर, मतलब 5 × 4 दैट इज 26 रुपीज, इस तरीके से। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं अभी, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ठीक है ओके, अब देखते हैं 13 किलोमीटर का जर्नी। ठीक है, फॉर ए जर्नी ऑफ 13 किलोमीटर, फॉर ए जर्नी ऑफ 13 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 96 रुपीज।
अब हमें नहीं पता कि फिक्स्ड चार्ज कितना है और पर किलोमीटर चार्ज कितना है. फिक्स्ड चार्ज जो भी है एंड ये क्या है, पर किलोमीटर चार्ज है. पर किलोमीटर चार्ज मतलब वो किलोमीटर वाइज वेरी करेगा. तुम 2 किलोमीटर ट्रैवल करोगे तो उस हिसाब से चार्ज लगेगा, तुम 3 किलोमीटर ट्रैवल करोगे तो उस हिसाब से चार्ज लगेगा, इस तरीके से, है ना. तो हमें नहीं पता वो कितना है. ओके, तो मान के चलो ये फिक्स्ड चार्ज एक्स है और ये पर किलोमीटर का जो चार्ज है उसका रेट वाई है. उसका रेट वाई है मतलब वाई रुपीज पर किलोमीटर. ओके, तो 13 किलोमीटर की जर्नी है. उन्होंने क्या बोला है, यस, फॉर ए जर्नी ऑफ 13 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 96. चार्ज पेड इज 96. देखो अब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है. उन्होंने ये 1 किलोमीटर के बारे में कुछ बोला ही नहीं है. उन्होंने ये 1 किलोमीटर के बारे में कुछ बोला ही नहीं है. उन्होंने सिर्फ बोला है कि तुम अगर कोई जर्नी कर रहे हो तो तुम्हें मुझे 6 रुपए तो देने ही पड़ेंगे, प्लस ऊपर से इतने देने पड़ेंगे. ओके, ये ऑटो का एग्जाम्पल मैंने तुम लोगों को वो मीटर जो कैलकुलेट होता है उस हिसाब से बताया था. अभी क्वेश्चन में क्या दिया है वो मैटर करता है. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वो बोलेंगे कि 6 रुपीज जो है तुम्हें देने ही पड़ेंगे मुझे, प्लस अगला जो चार्ज होगा वो पर किलोमीटर बेसिस पे होगा, है ना. तो मतलब अगर मेरी 5 किलोमीटर की जर्नी है और 6 रुपए अगर मुझे देने ही देने हैं तो 5 किलोमीटर के जर्नी के लिए ही वो क्या करेगा, 5 रुपीज पर किलोमीटर लगाएगा. तो कितना हो गया फिर ये 5 × 5 विच इज 25. तो ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास फिक्स्ड चार्ज एक्स है और पर किलोमीटर चार्ज वाई है. तो अभी यहाँ पे ट्राई करते, देखो फिक्स्ड चार्ज एक्स पर किलोमीटर चार्ज, दिस इज व्हाट, वाई रुपीज पर किलोमीटर. तो कितने किलोमीटर ट्रेवल किए, 13 ना, सो 13 y, कितना हो गया फिर ये 96. उसके बाद फॉर द जर्नी ऑफ 18 किलोमीटर, फॉर जर्नी ऑफ 18 किलोमीटर क्या सीन हो रहा है, x प्लस 18y इज इक्वल टू व्हाट, 131. x प्लस 18y इज इक्वल टू व्हाट, 131, ठीक है. तो फिर ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड. अब ये क्या है, x प्लस 18y इज इक्वल टू 131 माइनस x प्लस 13y इज इक्वल टू 96. तो दोनों को सब्ट्रैक्शन करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये और ये गया, ये बचा 5y, ये कितना आया फिर 5, ये आया 3. सही बात है ना, हाँ. तो y कितना आया फिर 7. तो y 7 आया तो x फाइंड आउट करेंगे फिर. y 7 आया, x फाइंड आउट करते हैं. x plus 13y is equal to 96. x plus 13 into 7 is equal to 96. So x is equal to 5. Okay? x is equal to what? 5. Understood? Yes. Next. हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट विल पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर. फॉर द जर्नी ऑफ 25 किलोमीटर हाउ मच डिस्टेंस द पर्सन हैज टू ट्रैवल. सो फॉर द जर्नी ऑफ 25 किलोमीटर, फॉर द जर्नी ऑफ 25 किलोमीटर, सो x प्लस 25y is x is what, 5 plus y, 5 plus 25, 7 is 25, 5 is 125, 6 is 150, and this is 175, so it becomes 180. Very good. Okay, so that is your answer. Next, understood this part, just go through this question once and tell me if you have any doubts. No doubt. Next part. Chalo, question number 13. Sorry.
डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशंस फॉर ए सर्टेन कमोडिटी आर 4Q प्लस 7P इज इक्वल टू 17, P इज इक्वल टू Q अपॉन 3 प्लस 7/4, वेयर P इज द मार्केट प्राइस एंड Q इज क्वांटिटी. कुछ नहीं करना है, बस टर्मिनोलॉजीज अलग यूज किए हैं, इक्वेशन थोड़ा सा अलग दिया हुआ है. यू कैन टेल मी व्हाट इट कुड बी. चलो कोशिश करो नेक्स्ट. यस, ए ऑप्शन. ए ऑप्शन आ रहा है पक्का. पी एंड क्यू पूछा है उन्होंने. क्यों नेगेटिव आ रहा है? क्यों रे भाई, सीधा ऑप्शन टू क्वेश्चन जाओ ना, वो सही रहेगा. ऑप्शन टू क्वेश्चन जाओ, वो सही रहेगा. ओके, सॉल्व किया तो भी आना चाहिए आंसर. वैसे तो देखो, उन्होंने कौन से सीक्वेंस में आंसर पूछा है? उन्होंने इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी इस सीक्वेंस में आंसर पूछा है. मतलब उन्होंने पी एंड क्यू के सीक्वेंस में आंसर पूछा है ना, पी एंड क्यू के सीक्वेंस में आंसर पूछा है. ठीक है, सो देखते हैं फिर. अभी 4 × पहला ऑप्शन जो है 2,3/4. 4 × Q इज व्हाट? 3/4. एंड दिस इज हाउ मच? P इज व्हाट? 2. ओके, तो ये कितना हो गया फिर? 4 4 गया, 3 + 14 इज इक्वल टू 17. ये पी एंड क्यू है ना, सॉरी, हाँ पी एंड क्यू है, क्योंकि उसी सीक्वेंस में उन्होंने आंसर पूछा है. अब अगले क्वेश्चन में भी चेक करके देखते हैं ये पर्टिकुलर चीज सेटिस्फाई होती है क्या. क्यू इज वॉट? 3/4/3 प्लस 7/4. सो 2 इज इक्वल टू 3/4 × 3 प्लस 7/4. 2 इज इक्वल टू 8/4.
4, 2 is equal to 2. Done. Okay. So A option is correct. 14th. Tell me fast. Okay. बहुत आसान क्वेश्चन है. There are two examination rooms A and B. If 10 candidates are sent from A to B, here is A and here is B. 10 candidate यहां से यहां गए हैं. 10 कैंडिडेट यहां से यहां गए हैं, ठीक है. तो -10. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम इज सेम नाउ. मतलब अगर 10 कैंडिडेट यहां से यहां गए तो ये दोनों सेम हो रहे हैं, है ना. दूसरा, इफ 20 कैंडिडेट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, मतलब यहां पे ऐड हो गए वो +20. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए इज डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए इज डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी. ऐसा. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम 180. 10 कैंडिडेट्स गए ना, तो यहाँ पे कितने बचे? 90. यहाँ पे कितने बचे? 90. देखो सीधी सी बात है, ए रूम से 10 कैंडिडेट गए, बी रूम में 10 ऐड हो गए ना. ए रूम से 10 कैंडिडेट गए मतलब बी रूम में 10 ऐड हो गए, तो ये कितना हो गया फिर? ये ए है और ये बी है, तो 10 गए मतलब 90, 10 ऐड हो गए मतलब 90, तो दोनों इक्वल है. दूसरा केस क्या है? ये 100 एंड ये 80, ए एंड बी. उन्होंने बोला है बी से यहाँ पे 10 आ गए, सॉरी 20 आ गए, बी से यहाँ पे 20 आ गए. इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ से 20 गए, यहाँ पे 20 ऐड हो गए, तो क्या हो गया फिर? ये 60 और ये हो गया 120. तो क्या ये ट्वाइस है? यस, इट इज ट्वाइस. डन. ओके, सो दैट इज योर आंसर. ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. तो ऐसे करो इसको, तुम्हें अगर इक्वेशंस में करना है तो भी कर सकते हो. इसको कैसे करना पड़ेगा? x माइनस 10 इज इक्वल टू y प्लस 10. यहाँ पे x प्लस 20 इज इक्वल टू 2 इंटू y माइनस 20. ऐसे करना पड़ेगा इसको, ठीक है. तो रिमेम्बर दिस थिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आगे बढ़ते हैं अभी, चलो फटाफट. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज व्हाट? पता है सबको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होता है? क्या पता है तुम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होता है? यस,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? हाँ बता दियो मैं, चलो ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जिसका डिग्री 2 होगा। डिग्री 2 होगा मतलब जिस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, कितने वेरिएबल्स होंगे, एक ही वेरिएबल होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन इन वन वेरिएबल ही देख रहे हैं। ओके, तो हाईएस्ट डिग्री दैट इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। इफ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, देन वी कॉल दैट इक्वेशन एज व्हाट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वी कॉल दैट इक्वेशन एज व्हाट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फिर क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू व्हाट? 0। ये क्या है अपना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो ए बी सी एंड व्हाट दे आर व्हाट? कॉन्स्टेंट्स। सो ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स, ए बी सी आर व्हाट? कॉन्स्टेंट्स। ओके सो एंड हाँ, यहाँ पे और एक चीज है, ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 होता है तो ये पूरा चला जाएगा। अगर ये ए जो है ये 0 होता है तो ये पूरा क्या हो जाएगा? चला जाएगा। तो इसलिए ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ए शुड नॉट बी इक्वल टू व्हाट? 0। तो अगर ये 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया, तो भाई ये तो पूरा टर्म ही वैनिश हो गया ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बचेगा ही नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर नहीं बचेगा, है ना? सही बात है ना? तो इसीलिए ए बी सी आर दी कॉन्स्टेंट्स एंड ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, दैट इज द कंडीशन। नाउ अगर बी 0 होता है तो, अगर बी 0 होता है तो इक्वेशन कैसे बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू व्हाट? 0। यस, इक्वल टू 0। तो बी इज इक्वल टू 0 है तो एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। इफ बी इज नॉट इक्वल टू 0, अगर बी इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर ये तो अपना नॉर्मल रहा। ओके, तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को अपन बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक, और इसको अपन बोलते हैं अफेक्टेड क्वाड्रेटिक। अफेक्टेड क्वाड्रेटिक, इसको अपन बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक, इसको अपन बोलते हैं अफेक्टेड क्वाड्रेटिक। ओके, सो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज व्हाट? 2। नेक्स्ट, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन? कुछ डाउट हो तो बोल दो यार। अभी देखो, मैंने तुम लोगों को एक चीज बताई थी रूट्स एंड सॉल्यूशंस के बारे में। तो एक चीज हमेशा याद रखो, अगर कोई इक्वेशन का पावर, मतलब कोई भी इक्वेशन का जितना पावर होता है, या फिर जितना हाईएस्ट पावर उतने नंबर ऑफ रूट्स रहते हैं उसको। हाईएस्ट पावर इक्वल टू, और एल्स आई वुड से, हाँ, हाईएस्ट पावर इक्वल टू नंबर ऑफ रूट्स। मतलब अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो नंबर ऑफ रूट्स 2 होंगे, अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो नंबर ऑफ रूट्स 3 होंगे, अगर हाईएस्ट पावर 4 है तो नंबर ऑफ रूट्स 4 होंगे, एंड वाइस वर्सा, इस तरीके से। ठीक है, तो जितना हाईएस्ट पावर होगा उतने नंबर ऑफ रूट्स रहेंगे। समझ में आ रही है बात? यस, समझ में आ रही बात। ये मैंने किसके लिए बताया? ये मैंने वन वेरिएबल के लिए बताया, मैंने टू वेरिएबल के लिए नहीं बताया। किसके लिए बताया मैंने? वन वेरिएबल के लिए बताया, टू वेरिएबल के लिए नहीं बताया। टू वेरिएबल के लिए फिर बात अलग है। ओके, उसका कैसे होता है ना, उसका मतलब उसका थोड़ा पूरा मेथड ही अलग है। एक्चुअली बताने से कुछ मतलब नहीं है, तो
जैसे कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल था तो वहां पे तो पावर एक ही है, एक्स एंड वाई का पावर जो है वो एक एक है, तो हमें रूट भी एक ही मिल रहा है. ओके तो वो थोड़ा सा रिलेट करना मुश्किल हो जाएगा, एंड इवन दैट इज मतलब दैट इज नॉट इवन नीडेड, सो आई विल फोकस ऑन दिस. ओके तो फिर अपन के पास तीन मेथड्स है, फॉर्मूला मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. तो अपन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नहीं देखने वाले हैं. ओके सो आई एम हैविंग थ्री मेथड्स टू सॉल्व. फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन, सेकेंड इज फॉर्मूला, थर्ड इज कंप्लीटिंग स्क्वायर. ओके तो अपन पहले फैक्टराइजेशन देखेंगे. ओके अभी ये तो 10th स्टैंडर्ड में हो चुका है, आई वॉन्ट यू टू अटेम्प्ट दैट फर्स्ट एंड देन आई विल सॉल्व. ठीक है देखो कुछ मैंने ए बी सी डी ई एफ जी मतलब ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं मैंने सॉल्व करने के लिए. ठीक है तो फिर हमें क्या करना है, हमें ये सारे क्वेश्चंस दोनों मेथड से सॉल्व करने हैं, फॉर्मूला मेथड भी और फैक्टराइजेशन मेथड भी. सारे नहीं एक्चुअली, कुछ कुछ क्वेश्चंस में जो तुम लोगों को बताऊंगी वो बस तुम लोगों को दोनों मेथड से सॉल्व. तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड से मुझे सॉल्व करके बताओ पहले एक पहले क्वेश्चन का आंसर. एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो. चलो बताओ इसके फैक्टर्स किया है हम लोगों ने ये सब. ओके इसमें ना थोड़ी सी गड़बड़ की है कुछ कुछ लोगों ने. चलो देखो देखते हैं अभी. हाँ यहाँ पे ना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अपन दो चीजें सीखेंगे. पहले तो ये रूट्स एंड फैक्टर के बीच का कंफ्यूजन हटाते हैं. ठीक है देखो मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, प्लस सिक्स. एडिशन कितना आना चाहिए, माइनस फाइव. ओके मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए, प्लस सिक्स. एडिशन कितना आना चाहिए, माइनस फाइव. ठीक है तो ये क्वेश्चन दोनों मेथड से बताती हूँ मैं, थोड़ा ध्यान दो. तो ऐसे कौन से नंबर से जो मुझे मल्टीप्लीकेशन प्लस सिक्स देंगे एंड एडिशन माइनस फाइव देंगे. माइनस सिक्स माइनस वन है, प्लस सिक्स प्लस वन है, माइनस टू माइनस थ्री है, प्लस टू प्लस थ्री है. ओके तो इनमें से कौन सा है जो माइनस फाइव देगा एडिशन, है ना. तो फिर रख देते हैं फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो. ये एक्स कॉमन निकालो, एक्स माइनस टू, माइनस थ्री निकालो, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू बाहर आ गया, एक्स माइनस थ्री.
Okay, so x minus 2, x minus 3. These are the values. Okay, x minus 2, x minus 3. These are the values. अब एक यहाँ पे एक चीज दिमाग में रखो, ये जो प्लस टू एंड प्लस थ्री है ना, ये है रूट्स. ओके, x इज इक्वल टू प्लस टू एंड x इज इक्वल टू प्लस थ्री, ये जो है ना, दीज आर व्हाट, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, और ये जो है ना x माइनस टू एक्स माइनस थ्री, इनको हम अपन बोलते हैं फैक्टर्स. फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, एक्स इक्वल टू प्लस टू एक्स इक्वल टू प्लस थ्री आर व्हाट, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री आर व्हाट, फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, तो फिर यस, दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो समझ लो. ठीक है, अब ये था अपना फैक्टराइजेशन मेथड. अब फॉर्मूला मेथड जानना क्यों जरूरी है? फॉर्मूला मेथड इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हमें फैक्टर्स नहीं मिले इंटीजर्स के टर्म्स में, मतलब जैसे कि प्लस माइनस सिक्स माइनस वन तुम लोगों ने बोला, प्लस सिक्स प्लस वन तुम लोगों ने बोला, माइनस टू माइनस थ्री बोला, प्लस टू प्लस थ्री बोला, तो ऐसे फैक्टर्स अगर तुम्हें नहीं मिलते हैं तो फिर यस, तो फिर हमें फॉर्मूला मेथड की जरूरत पड़ती है, हमें फॉर्मूला मेथड की जरूरत पड़ती है. ओके, सो ये था अपना फैक्टराइजेशन. और ये है अपना फॉर्मूला मेथड. ये है अपना फॉर्मूला मेथड. तो फॉर्मूला मेथड क्या है, देखो, x square minus 5x plus 6 is equal to 0. x square minus 5x plus 6 is equal to 0. Compare करो इसको. Comparing with ax square plus bx plus c is equal to 0. तो a है 1, b is equal to minus 5, c is equal to plus 6. ओके, तो फिर यस, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, एक फॉर्मूला है. ओके, ये मुझे ऐसे लगता है कि टेंथ स्टैंडर्ड में सबका हो चुका है, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन. माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, तो क्या हो जाएगा फिर, ये x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, इट्स माइनस फाइव स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी अपॉन टू ए. ओके, अपॉन टू ए, तो फिर क्या हो जाएगा फिर, ये माइनस माइनस प्लस फाइव प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 24 अपॉन 2a. सो x इज इक्वल टू प्लस 5 प्लस और माइनस अंडर रूट 25 माइनस 24, इट्स 1 अपॉन 2. ओके, तो फिर मेरे पास दो वैल्यूज आ गए. ये रूट 1 तो कुछ है नहीं, वो तो नॉनसेंस है, उसको बस ऐसे लिख दो आप. ओके, तो दो वैल्यूज आ गए मुझे x के, कौन से, 5 प्लस 1 अपॉन 2 या फिर 5 माइनस 1 अपॉन 2. तो ये क्या हो जाएगा, 3, और ये क्या हो जाएगा, 2. क्या मिल गया अपन को, रूट्स. समझ में आ रही बात? सो इस केस में ये चीज दिमाग में रखो कि अगर हमारे पास हमारे पास ऐसे नंबर्स नहीं है रेडीली अवेलेबल, अगर हम नहीं ढूंढ पा रहे नंबर्स को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर्मूला मेथड लगाना पड़ेगा. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर. अभी समझ में आई बात? ओके, और ये जो टर्म है ना, ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसको अपन बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट.
इसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac को अपन बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है? ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं फिर अभी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. कोशिश करो, चलो फटाफट, क्या आना चाहिए आंसर बताओ. सेकंड क्वेश्चन करेक्ट है, करेक्ट ही होना चाहिए मुझे ऐसे लगता. माइनस टू माइनस टू. ओके, चलो चेक इट आउट. क्या होता है देखते फिर अभी. मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए प्लस 4, एडिशन आनी चाहिए माइनस 4. तो कौन से दो नंबर है जो मल्टीप्लीकेशन प्लस 4 दे सकते हैं? प्लस 2, प्लस 2, माइनस 2, माइनस 2, और ये दोनों एडिशन भी माइनस 4 दे रहे हैं, है ना? ये दोनों एडिशन भी माइनस 4 दे रहे हैं. सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. x into x minus 2, minus 2 into x minus 2. Okay, so x minus 2, x minus 2 is equal to 0. Okay, so ye ho gaye factors. Ab roots apan ko chahiye. X minus 2 is equal to 0, x minus 2 is equal to 0, so x is equal to 2, x is equal to 2. To agar tum roots ki baat karoge to roots hai प्लस टू प्लस टू. अगर फैक्टर्स की बात करोगे तो फैक्टर्स है एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू. ओके, सो रूट्स एंड फैक्टर डिफरेंट थिंग्स है, याद रखो. रूट्स मतलब ये एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू, सॉरी, फैक्टर्स मतलब एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू, रूट्स मतलब टू एंड प्लस टू प्लस टू. ऐसा. आगे फॉर्मूला मेथड से करना है. चलो फॉर्मूला मेथड से अगला क्वेश्चन करो. वैसे भी अगला क्वेश्चन फॉर्मूला मेथड से ही करना पड़ेगा अपन को. चलो फॉर्मूला मेथड से करो अगला क्वेश्चन फास्ट. एक मिनट, हाँ, स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं. चलो फॉर्मूला मेथड से ट्राई करो फटाफट. Yes.
आंसर आया बट मैसेज नहीं कर सकते है ना. गुड. यस. जीरो एंड माइनस टू. ओके देखो, अभी अगर कोई ऐसे सोच रहा है ना, मल्टीप्लिकेशन शुड बी माइनस वन एंड एडिशन शुड बी प्लस वन, ये जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा तुम लोगों को. माइनस वन एंड प्लस, माइनस वन मल्टीप्लिकेशन एंड प्लस वन एडिशन, ये तुम्हें कभी मिल ही नहीं सकता है. ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा देखो, अभी ध्यान दो. चलो, सो फॉर्मूला मेथड से करना पड़ेगा. एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. सो ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू प्लस वन, सी इज इक्वल टू माइनस वन. सो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी अपॉन टू ए. ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर, ये माइनस वन प्लस और माइनस अंडर रूट, ये वन आया, ये माइनस माइनस प्लस आया अपॉन टू. सो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ फाइव अपॉन टू. सो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन प्लस रूट फाइव अपॉन टू, या फिर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन माइनस रूट फाइव अपॉन टू. दैट्स इट, है ना. सो आ गया फिर अपन को. ओके, यू मेड कैलकुलेशन मिस्टेक अगेन. ओके, नेक्स्ट डी क्वेश्चन. ये सिचुएशन एक्चुअली तुम लोगों को बतानी पड़ेगी मुझे, बट स्टिल यस टेल मी. हम 10th में तो सीख चुके हैं ये सब, सो एटलीस्ट ट्राई आउट. यस. चलो बोलो, फिर से बोल नहीं सकते ना. एक्चुअली डी में क्या सीन होता है ना, देखो यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन प्लस वन एंड एडिशन प्लस वन, ये सीन पॉसिबल ही नहीं है. ये सीन हमें पॉसिबल नहीं है, तो हमें फॉर्मूला मेथड ही लगाना पड़ेगा. एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. सो ए कितना हो गया वन, बी कितना हो गया वन, सी कितना हो गया वन. सो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस, सॉरी माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेर फोर इंटू ए इंटू सी अपॉन टू ए. ओके, सो हाउ मच इज दिस, माइनस वन प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस फोर अपॉन. सो हाउ मच इज दिस, माइनस वन प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस थ्री अपॉन टू. तो मुझे एक बात बताओ, अंडर रूट ऑफ माइनस थ्री पॉसिबल है क्या रे? ये नंबर इटसेल्फ पॉसिबल है क्या रियल नंबर्स में? नो. ओके, सो ये जो है दिस इज नॉट रियल नंबर. माइनस रूट ऑफ माइनस थ्री इज नॉट ए रियल नंबर. ओके, सो दिस इज नॉट ए रियल नंबर. सो व्हाट आई कैन से, रूट्स आर नॉट रियल. ओके, रूट्स आर नॉट रियल, दे आर इमेजिनरी. रूट्स आर नॉट रियल.
स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर आता है तो ऑलवेज रिमेम्बर दैट जो अपना रूट है, मतलब वो जो पर्टिकुलर वैल्यू होगा वो रियल वैल्यू नहीं है. रिमेम्बर दिस थिंग ऑलवेज. स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर आता है तो ऑलवेज रिमेम्बर दैट जो हमें वैल्यू मिला है वो रियल वैल्यू नहीं है, वो इमेजिनरी वैल्यू, और यू कैन से इट इज कॉम्प्लेक्स वैल्यू. ओके चलो एक की तरफ चलते हैं अभी. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, कोशिश करो चलो फटाफट. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो. क्या आएंगे इसके वैल्यूज, कौन बताएगा मुझे? वेरी गुड. देखो यहाँ पे ना तुम लोगों को फॉर्मूला मेथड की जरूरत है ना फैक्टराइजेशन की जरूरत है. देखते ही आंसर आ जाएगा. कैसे? x को बाहर निकाला, x माइनस वन इक्वल टू जीरो. x को कॉमन लिया और x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो मेरे रूट्स कौन से बन गए? ये जीरो कब हो सकता है? ये मल्टीप्लीकेशन जीरो कब हो सकता है? अगर एक्स जीरो रहा तो, या फिर एक्स माइनस वन जीरो रहा तो. अगर एक्स जीरो रहा तो, या फिर x माइनस वन जीरो रहा तो, दोनों में से कोई तो भी एक सिचुएशन में तुम्हारा जो आंसर है वो क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है. ठीक है, तो फिर x इज इक्वल टू जीरो एंड x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x माइनस वन ये क्या हो जाएगा फिर? ये x इज इक्वल टू वन एंड x इज इक्वल टू जीरो. सो दीज आर व्हाट? रूट्स. ओके, सो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू वन. डन विद दिस? ओके, इफ 2x² माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू जीरो. चलो बताओ मुझे जल्दी. चलो जल्दी जल्दी बताओ फटाफट. ओके
हाँ 12:30 तक, 12:30 तक, डोंट वरी. यस, क्या होगा देखो इस पर्टिकुलर केस में ना कैसे करते हैं. 2 and 6 का मल्टीप्लीकेशन, +2 +6 इट्स +12, एडिशन शुड बी -8. मैं डेलिबरेटली उसको 2 से डिवाइड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये बताना है कि अगर यहाँ पे कोएफिशिएंट आता है तो कैसे ऑपरेट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ. ठीक है, सो मल्टीप्लीकेशन शुड बी 2 into 6 मतलब +12, एडिशन शुड बी -8. ठीक है, तो फिर कौन से नंबर से जो मल्टीप्लीकेशन +12 देंगे एंड एडिशन -8 देंगे, कौन से नंबर से जो मल्टीप्लीकेशन +12 देंगे एंड एडिशन -8 देंगे, -6 -2. ओके, -6 -2. ओके, सो 2x² -6x -2x +6 इज इक्वल टू 0. 2x कॉमन लिया, x -3, यहाँ से -2, x -3 इज इक्वल टू 0. सो x -3, 2x -2. सो यहाँ पे मैंने 2 से इसलिए डिवाइड नहीं किया था क्योंकि मुझे तुम लोगों को बताना था कि अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आता है तो इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन जो है वो तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, रिक्वायर्ड मल्टीप्लीकेशन. ओके, तो ये क्या हो गया फिर, ये एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो एक्स इज इक्वल टू 3 एंड एक्स इज इक्वल टू 1 आर दी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. समझ में आई बात? यस, कुछ प्रॉब्लम है किसी को तो बोलो. जी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, चलो बताओ जल्दी फिर. यस, डन. ओके, सो मल्टीप्लीकेशन शुड बी +6, एडिशन शुड बी -5, -2 -3. ओके, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. सो एक्स बाहर आया, एक्स माइनस 2, माइनस 3 बाहर आया, एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0. एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सो एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 3. डन. ओके, दैट्स ऑल. ओके, सो आई वांट यू टू ट्राई. ओके, डोंट ट्राई एनीथिंग, क्वेश्चंस थोड़े अलग अलग हैं, मुझे क्लास में ही लेने पड़ेंगे. ठीक है, यू हैव टू टेक दिस क्वेश्चंस इन द क्लास इटसेल्फ. इस टाइप को थोड़ा सा टाइम लगता है यार, ये जो पर्टिकुलर टाइप है ना, विच इज योर सिक्स्थ टाइप, ये टाइप बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है. ठीक है, तो इसके लिए बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, अदरवाइज बाकी तो जल्दी जल्दी हो जाते हैं इस चैप्टर में से. ये टाइप है ना, थोड़ा समझने में भी प्रॉब्लम आ जाती है स्टूडेंट्स को, तो इस वजह से. ठीक है, इसमें से ना कोई कोई क्वेश्चंस रॉन्ग है, आई डोंट रिमेम्बर वेदर आई हैव अपडेटेड देम और नॉट, क्योंकि मैंने एक्चुअली मैं स्टूडेंट से ही लेने वाली थी वो अपडेट्स, लेकिन उस टाइम पे इस चैप्टर के टाइम पे शायद मैंने अपडेट्स किए थे नोट्स में, तो आई गेस अपडेटेड नोट्स ही मिलेंगे. लेट्स सी. ठीक है, सो लेट्स स्टॉप हियर, विल कंटिन्यू टुमारो एट 10:30. चलो बाय बाय.